हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई और कमाल की वीडियो में। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारी मार्केट में एक ऐसी टेक्नोलॉजी और एक ऐसा टूल आ गया है जिसका इस्तेमाल करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसके जरिए आप अपने किसी भी फील्ड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछेंगे और उसका आंसर वो चंद सेकंडों में आपको देगा। आज हम लोग इस नए युग की जिस आविष्कार के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ChatGPT। मैं आपको बता दूं, इस आविष्कार ने गूगल और उसके CEO सुंदर पिचाई की भी नींद उड़ा दी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हो और बॉस के लिए ईमेल लिखना हो, या तो आप एक स्टूडेंट हो और आपके होमवर्क में मिला हुआ ऐसे पूरा करना हो, या तो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए लव लेटर ही क्यों ना लिखना हो, अगर आप एक डेवलपर हो और आपको कोड करना हो, तो ये सारी चीजों को ये चंद सेकंडों में ChatGPT सॉल्व करके देगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब से ये मार्केट में आया है लोगों को ये भी खतरा सामने दिखाई दे रहा है कि शायद ये भविष्य में आने वाली नौकरियों को भी ना खा जाए। और आज देखेंगे कि ChatGPT क्या है और इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि इस टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे हम अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करिएगा और पूरी वीडियो को डिटेल में देखिएगा ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। और दोस्तों, हम अपने चैनल पे ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं ChatGPT क्या है और ये काम कैसे करता है, तो ChatGPT का फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्रीट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। इसको OpenAI वालों ने बनाया है। अब ये जनरेटिव प्रीट्रेंड ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या हुआ, ये हम इसमें जो भी बात करेंगे, बेसिकली ये एक चैट बॉट है। इसमें हम राइट करके, टाइप करके जो भी क्वेश्चन पुट अप करेंगे उसका आंसर बहुत ही नेचुरल तरीके से, ह्यूमनिस्टिक तरीके से ये हमें प्रोवाइड करेगा। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आपके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर ये ChatGPT इतने सटीक और परफेक्ट तरीके से देता है कि आप ये देख के हैरान रह जाओगे कि ये आंसर किसी रोबोट ने दिया हुआ है, किसी मशीन ने दिया हुआ है, या किसी सामने बैठा हुआ इंसान है। दोस्तों, 30 नवंबर 2022 को OpenAI कंपनी ने इसको लॉन्च किया था और मैं आपको बताऊं, सिर्फ 5 दिनों के अंदर 10 लाख लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया था। और आज शायद जिस दिन ये वीडियो आप देख रहे होंगे, आज की डेट में 100 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया और इसके यूजर बन चुके हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और उसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे और गूगल पे टाइप करेंगे ChatGPT। ChatGPT टाइप करने के बाद सबसे पहली लिंक आएगी OpenAI की। इस लिंक को हम क्लिक करेंगे और लिंक पे क्लिक करते ही हमारा ChatGPT का मेन होम पेज ओपन हो जाएगा। अब ये है हमारा ChatGPT का होम पेज, आप स्क्रॉल करके नीचे भी देख सकते हैं, लेकिन हमको सबसे ऊपर ही यहाँ दिखाई देगा ट्राई ChatGPT। इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ही हमारे ब्राउजर को एनालिसिस करेगा। थोड़ी देर एनालिसिस करने के बाद दो ऑप्शन आएंगे, लॉगिन एंड साइन अप। तो अगर आप सबसे पहली बार आए हैं तो साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, साइन अप पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक पेज ओपन होगा और यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। लेकिन न्यू ईमेल आईडी डालने से अच्छा है अगर आप गूगल पे हैं या गूगल पे आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको गूगल से लॉगिन कर सकते हैं। तो गूगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल वाली ईमेल आईडी डालनी है और गूगल वाली ईमेल आईडी डालने के बाद नेक्स्ट करना है एंड देन आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे डालना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद एक 2 नंबर का सिक्योरिटी कोड आपके फोन पे आता है, अगर आपने इसको इनेबल किया है तो, वरना नहीं आएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि सारे लोग इसको इनेबल कर लें, इससे आपकी सिक्योरिटी बनी रहती है। फिर आपको फोन पे जाना है और फोन पे उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर आपका यहाँ पे रिडायरेक्ट होगा और रिडायरेक्ट होने के बाद फिर से आपका पेज सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा ChatGPT का कुछ इन्फॉर्मेशन है। अभी ये फ्री है, ये बोल रहे हैं कि अभी बीटा वर्जन है इसलिए ये फ्री है, आगे जाके हो सकता है ये पेड सर्विस भी हो सकती है, तो इसलिए आपको लोग जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे जो हम कन्वर्सेशन करते हैं या जो भी बात करते हैं ये उसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर देता है। फिर इसको हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर ये सिस्टम में कुछ बेसिक फीडबैक्स हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं और पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना रिस्पांस दे सकते हैं।
यहाँ पे हमने इसको डन किया। तो फ्रेंड्स ये हमारा चैट जीपीटी का मेन होम पेज है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, कुछ कैपेबिलिटीज और कुछ लिमिटेशंस हैं। एग्जांपल इन द सेंस कि आपको किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस पुट अप करने हैं। कैपेबिलिटीज क्या है, रिमेम्बर व्हाट यूजर सेड अर्लीज इन द कन्वर्सेशन, मतलब कि जो भी हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे ये उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर प्रोवाइड करेगा। एंड यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं दोस्तों, जैसे कि सबसे लास्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो भी नॉलेज है या जो भी इन्फॉर्मेशन ये हमें देगा ये 2021 के पहले तक ही देगा, उसके बाद की इन्फॉर्मेशन देने में शायद ये कुछ मिस्टेक्स भी करे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए दोस्तों, मे ओकेजनली जनरेटेड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, मे बी ये कभी कभी रॉन्ग आंसर भी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन दोस्तों 99% केस में ये हमें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर प्रोवाइड करता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये नीचे अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये हमारा एक चैट बॉट है। यहाँ पे चैट बॉट इन द सेंस कि ये एक मैसेज बॉक्स है, ये इसी तरीके से काम करेगा कि जैसे हमने कुछ भी, हमको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप करना हो या कुछ भी हमें जानना हो तो सबसे पहले हम इस चैट बॉक्स में हम टाइप करेंगे और फिर वो एनालिसिस करके हमारे क्वेश्चंस का आंसर ये हमें प्रोवाइड करेगा। तो आइए सबसे पहले हम इससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। अब हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं, क्रिएट ए ब्लॉग आर्टिकल ऑन एनिमेशन एंड VFX। मैंने इसको बोला एक ब्लॉग आर्टिकल लिखो एनिमेशन और VFX पे। अब मैंने इंटर किया, इंटर करने के बाद अब देखिए ये हमें पूरा को पूरा ब्लॉग हमारे सामने ये लिख के दे देगा कि एनिमेशन एंड VFX पे क्या क्या ब्लॉग आर्टिकल बन सकता है, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से कि लगेगा कि कोई ह्यूमन ने इसको टाइप किया है। दोस्तों अगर हम चाहें तो अभी ये बहुत लंबी टाइम तक ये टाइप करता रहेगा, तो अभी के लिए हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने से क्या होगा कि ये हमारा यहीं पे रुक जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन इससे पूछा, क्रिएट ए ब्लॉग आर्टिकल ऑन एनिमेशन एंड VFX। अब डिटेल में आप इसको चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब मुझे इसका यूज करना होगा, मैं सारे टेक्स्ट को कॉपी करूंगा और कॉपी करके जहां भी मुझे पेस्ट करना होगा मैं वहां पे पेस्ट कर लूंगा। तो अब चलते हैं कुछ इससे नए क्वेश्चंस हम लोग पुट अप करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं। अब दोस्तों मैंने इसको बोला कि एक ज्वाइनिंग लेटर मुझे एम्प्लॉई के लिए भेजना है फॉर एनिमेटर की पोस्ट के लिए जिसकी ज्वाइनिंग डेट है 20 मार्च 2023। अब जैसे ही हम इसको इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद ये हमारे लिए एक लेटर तैयार करके, ज्वाइनिंग लेटर तैयार करके हमारे सामने देगा। तो देखिए दोस्तों कितने अच्छे तरीके से ये हमें प्रोवाइड कर रहा है हमारे पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे काम करना है। बेसिकली यहाँ पे एक चैट बॉक्स है, चैट बोट है, जो भी क्वेश्चन हम इसको पुट अप करेंगे उसके आंसर्स को ये हमें प्रोवाइड करेगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे मैं इससे पूछता हूँ, क्रिएट ए टाइटल फॉर यूट्यूब ऑन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए मुझे एक यूट्यूब का टाइटल चाहिए। दोस्तों आप यूट्यूब के लिए भी यहाँ से टाइटल टैग्स और डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। चलिए अब इसको इंटर करते हैं और देखते हैं कि हमें ये क्या टाइटल देता है। तो थोड़ी देर एनालिसिस करने के बाद फ्रेंड्स देखिए हमारे सामने बिल्कुल इसका टाइटल आ गया है, और वो टाइटल है कैप्चरिंग द वाइल्ड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया तरीके से इसने हमको ये टाइटल बना के दिया है। अब अगर हम यूट्यूब के लिए या ब्लॉग के लिए कुछ भी हम टाइटल चाहते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से रिलेटेड हो तो उसके लिए ये टाइटल आप यहां से कॉपी करके यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम इससे पुट अप करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम किस किस फील्ड में इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे डाला क्रिएट अ डिस्क्रिप्शन फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वीडियो, सॉरी मैं डिस्क्रिप्शन की जगह मैं इसको टैग कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा आएगा, अभी के लिए हम इसको टैग कर देते हैं। तो अब फ्रेंड्स ये देखिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वीडियो के लिए ये हमें कई सारे टैग्स प्रोवाइड कर रहा है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन। तो आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से ये हमारे क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर रहा है। हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद जहाँ पे भी हमें जरूरत है हम उसको वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब हम कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स इससे हम चाहते हैं कि अब हमें कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स हमें चाहिए, तो हमने टाइप किया हम तुम बॉलीवुड सॉन्ग मूवी सॉन्ग। तो अब ये हम तुम मूवी का बॉलीवुड सॉन्ग हमें यहाँ पे सर्च करके दे देगा। द बॉलीवुड मूवी हम तुम हैज अ सर्वल पॉपुलर सॉन्ग बट द मोस्ट आइकॉनिक। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, यहाँ पे ये बोलता है बॉलीवुड मूवी हम तुम में बहुत सारे पॉपुलर सॉन्ग हैं
बस जो उसका सबसे आइकॉनिक मेमोरेबल सॉन्ग है वो है लड़की क्यों। आपने सुना होगा फ्रेंड्स, लड़की क्यों, न जाने क्यों, ऐसा कुछ करके सॉन्ग्स है, तो इसने उसी को डेडिकेट किया जो कि सबसे फेमस है। तो ये हम लोग जब भी कोई क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, ये उसके पीछे कई सारे रोबोट्स काम करते हैं और कई सारे मशीन्स रोबोट्स काम करके फिर हमें बिल्कुल फाइन तरीके से हमें आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप चाहें तो यहाँ से अपने कन्वर्सेशन को क्लियर कन्वर्सेशन कर सकते हैं, मतलब जितना भी हम लोगों ने कन्वर्सेशन किया आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लियर कन्वर्सेशन, सारा डेटा आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स ऑप्शन है, डार्क मोड है, आप चाहें तो लाइट मोड डार्क मोड यहाँ पे भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी आपको इंटरफेस अच्छा लगता हो। मैं वैसे लाइट मोड यूज करता हूँ, फिर उसके बाद अगेन आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके बेसिक से एग्जांपल्स हैं, और फिर से आप चाहोगे तो उसी तरीके से न्यू चैट फिर से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ इंग्लिश नहीं, ये हिंदी में भी हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है। अब मैंने यहाँ पे डाला कि तुम्हारा नाम क्या है, अब देखिए ये हिंदी में ही मेरे क्वेश्चंस का आंसर हमें देगा। अब देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है मेरा नाम चैट जीपीटी है। फ्रेंड्स, कमाल की बात है कि ये हम जिस तरीके से इससे पूछना चाहते हैं उस तरीके से ये हमें आंसर देगा। मैंने बोला ओके, एंड अगेन ये मुझसे पूछ रहा है इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड यू लाइक टू आस्क और टॉक अबाउट, आई एम हियर टू असिस्ट यू, मैं यहाँ पे हूँ, कुछ और भी अगर आप मुझसे पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। वाह भाई, कमाल की बात है, आज के टाइम पे इतने अच्छे से आंसर कौन देता है यार। लेकिन हमारे पास चैट जीपीटी है, अब हम किसी भी फील्ड में कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो चैट जीपीटी से कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, हम लोग चाहें तो महीने की 10,000 से 15,000 की अर्निंग भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप ब्लॉगर हो, आप एक स्क्रिप्ट राइटर हो, बहुत सारे फ्रीलांस कंपनियां हैं जो कि ऐसे सब्जेक्ट्स पे हमसे मैटर डिमांड करती हैं, तो आप यूट्यूबर हो, ब्लॉग बनाते हो या कुछ भी काम करते हो जहां पे आपको मैटर से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो यहां पे आप करके उसको मार्केट में सेल कर सकते हो। और सेल करने के बाद महीने के 10 से 15,000 आप पर डे कमा सकते हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि ये चैट जीपीटी हमारे डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है और हम डेली किस तरीके से इससे अर्निंग कर सकते हैं और एज अ बिजनेस, एज ए कॉमर्शियल पर्पस भी हम इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, अभी ये बिल्कुल फ्री है, आप जैसे चाहो जिस तरीके से इसका यूज कर लो। मे बी आने वाले टाइम पे ये फ्री ना रहे, हो सकता है कुछ पेड इसका अमाउंट हमें करना पड़े। तो इसलिए यार सिर्फ मजे के लिए इसको यूज मत करो, इसको आप अपने पर्पस डेली लाइफ में अपने काम के लिए यूज करो। स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के लिए यूज करो, बिजनेसमैन हो तो अपने डेली के असाइनमेंट टास्क के लिए इसको यूज करो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यार इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर आप कैसे ही प्यार मिलता रहा तो मैं आपके लिए जल्द भी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला सकता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।